आज मैं आपको इस वीडियो में भूमि आमला के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। काफ़ी लोग नहीं जानते कि वास्तव में ये होता क्या है। ये एक तरह की खरपतवार है, ये देखिए मैं सामने दिखा रहा हूँ आपको। तो ये बरसात के बाद ये पार्कों में बड़े आराम से हो जाती है। इसकी जो पत्तियाँ हैं बिल्कुल आंवले की पत्तियों की तरह होती है और इसके पत्तियों के नीचे छोटी छोटी गोलियाँ लगी रहती हैं जिनको हम भूमि आमला कहते हैं। भूमि आमला इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भूमि के बहुत नज़दीक होता है, लगभग 1-1.5 फुट की ऊंचाई तक ये उगता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे तोड़ लिया, पार्क में से ऐसे तोड़ लिए इसमें, और इसमें अब घर ले जाऊंगा मैं इसको और तब आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे इसको हम उपयोग करें। तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि होता क्या है भूमि आंवला। तो ये है, इसका नाम है फिलेंथस निरूरी। फिलेंथस निरूरी इसका नाम है, साइंटिफिक नेम है। और इस तरह की पत्तियां हैं, देखिए जैसे कि चने की पत्तियां होती हैं, आंवले की पत्तियां होती हैं, ऐसी पत्तियां होती हैं। उनके पीछे छोटी छोटी गोलियां लगी रहती हैं, पहले फूल आता है और उसके बाद ये छोटी छोटी गोलियां लग जाती हैं, वो आपको पत्तियों सहित तोड़नी है। तो ये सब मैंने यहाँ पर तोड़ लिया, लगभग 1 किलो भूमि आंवला तोड़ लिया और इसको मैं ले जा रहा हूँ। अब इसके देखिए पहला फ़ायदा है, भूमि आंवला न केवल यकृत के विषय हरण में मदद करता है, यानी लिवर का टॉनिक है, दूसरा है बल्कि रसायन, कायाकल्प और पित्त संतुलन के गुणों के कारण पोषण में ही मदद करता है। ये पौष्टिक तत्व प्रदान करता है, ये अपने पित्त संतुलन गुणों के कारण अपच और अम्लता को कम करता है, जो पाचन में सुधार करने में मदद करता है। ये देख तीसरा इसका फ़ायदा, देख रहे हैं छोटी छोटी गोलियाँ लगी हुई हैं। आंवले का ये एक अनूठा स्वाद होता है, अलग अलग स्वादों से भरा हुआ है, जैसे तीखा है, कसैला है, मीठा है, कड़वा है और खट्टा है। इसमें पांचों तरह के स्वाद हैं इस आंवले के अंदर, जैसे आंवले में होते हैं इसी तरह के स्वाद इसके भी हैं। छठा यहाँ पर है, अधिक प्यास लगने की परेशानी, खांसी, खुजली, कफ और बुखार आदि में भूमि आंवला के फ़ायदे तो मिलते ही है। इसके अलावा लिवर के लिए भी इस एक प्रकार के लिए यह भूमि आंवला जो दिव्य औषधि माना जाता है, लिवर के लिए ये दिव्य औषधि माना जाता है। तो जिन लोगों को वो हो जाता है लिवर सिरोसिस हो जाती है, या जैसे कहते हैं फैटी लिवर सिंड्रोम हो जाता है, उनके लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आठवां है, आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह के अनुसार इनका सेवन करने से फैटी लिवर को प्राकृतिक रूप से ठीक किया जा सकता है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, ये दिव्य औषधि कहलाती है। तो आयुर्वेदाचार्य की ज़रूर सलाह ले लें, ये नहीं कि मैंने चूँकि बताया तो आप इसमें करना शुरू कर दें, उनकी सलाह के बाद इसको इस्तेमाल करें। सर्वश्रेष्ठ लिवर क्लींजर है, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, जो रक्त ब्लड शुगर लेवल है उसको नियंत्रित करता है और कैंसर के विकास को भी रोकता है। और बारहवां है, ये कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम रखने, हृदयाघात और स्ट्रोक जैसी हृदय संबंधी बीमारियों को रोकने में योगदान देता है। मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया और मैं इसको ले आया हूँ बाहर से। यहाँ पर भूमि आंवला जूस आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देता है और संक्रमण को रोकने की क्षमता के लिए भी जाना जाता है, यानी इम्यूनिटी बूस्टर है। देखिए प्लेट में मैंने ले लिया इसको। अस्थमा एक एवं श्वसन रोग और जो वायु मार्ग में सूजन का कारण बनता है उसको भी यह रोकता है। यह एलर्जी, प्रदूषण का अन्य या अन्य कारकों के कारण हो सकता है। इसके परिणाम स्वरूप घर घर्राहट, सांस लेने में तकलीफ और खांसी होती है। तो यानी गले में जब प्रदूषण की वजह से जो घर घर्राहट होती है उसको भी ये ठीक करता है। इस मामले में भूमि आंवला का रस आपके शरीर पर किसी भी दुष्प्रभाव के बिना स्वाभाविक रूप से अस्थमा का इलाज करने के लिए एक आसान समाधान के रूप में जाना जाता है। ये देखिए छोटी छोटी गोलियाँ हैं, ये दिखाई पड़ रही है प्लेट के अंदर, मैंने इनको क्लोजअप करके दिखा रहा हूँ आपको। बिल्कुल लग रहा है जैसा कि ये आंवला ही हो, ये देख ऐसा लग रहा है कि मटर के दाने जैसे हैं छोटे छोटे। भूमि आंवला जूस फाइबर से भरपूर होता है और पाचन प्रक्रिया में मदद करता है। यह मल त्याग को बेहतर बनाने में मदद करता है और कब्ज, पेट में सूजन, दर्द, ऐंठन आदि को रोकता है। यानी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो ये आपको ठीक करेगा। 16वां है, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को प्रबंधित करता है, कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसको सही कर देता है।
17वां देखिए, आँखों के स्वास्थ्य और दृष्टि में सुधार करता है। और 18वां पॉइंट है, मानसिक स्पष्टता और याददाश्त बढ़ाता है। और 19वां है, गुर्दे की पथरी का भी इलाज कर सकते हैं इससे, यानी इसके अंदर जो केमिकल हैं वो पथरी को भी निकाल देते हैं। 20वां है, जोड़ों की तकलीफ कम करता है। इस तरह मैंने आपको 20 फ़ायदे बताए, हालांकि फ़ायदे तो बहुत हैं। अब मैं देखिए यहाँ पे किचन में ले आया, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ हमने आरओ के पानी से इसको साफ़ कर लिया, धो लिया, 3-4 बार धो लिया, और इसमें डाल दिया हमने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, खाने का मीठा सोडा डाल दिए, क्योंकि बरसात के कारण हो सकता है इसमें कुछ गंदगी लग गई हो, बैक्टीरिया वगैरह लग गए हों, तो वो आप घर में ला कर इसको आरओ के पानी से धो के और ये डाल के बेकिंग पाउडर डालने के बाद उसको 5 मिनट से छोड़ दीजिए और उसको बाद में फिर हम छान लेंगे। 5 मिनट पानी के अंदर डूबा रहने दिए, ये आरओ का पानी है। और देखिए छोटी छोटी गोलियाँ दिख रही हैं आपको पीछे लगी हुई हैं, ये है भूमि आंवला। इसकी पत्तियाँ और जड़, तना और फूल फल सारे भाग ही इसके गुणकारी हैं, कोई भी भाग ऐसा नहीं है जो ख़राब। अब ये ले लिया हमने, चलनी ले ली, नीचे हमने बर्तन ले लिया, इसके ऊपर इस पानी को हम पलट देंगे और पत्तियों को धो के उसके बाद थोड़ा सा सुखा लेंगे, मतलब थोड़ा इनमें पानी इनका उड़ जाए, उसके बाद इसकी हम चटनी बनाएंगे। कैसे बनाते हैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये ऐसा करके हमने छान लिया और छनने के बाद ये पूरा भर गया बर्तन, उसको फेंक दिया, उसके बाद दोबारा हमने डाला ऐसे करके, तो ये देखिए पूरी तरह से पानी इसका निकल गया। ऐसे करके पहले साफ़ करना इसको बहुत ज़रूरी है। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके पास है ये, तो फिर ऐसा करिए आधा इसको सुखा लीजिए, सूख जाएगा, सूखने के बाद इसका पाउडर भी बना सकते हैं। और जो ताज़ा है पत्तियाँ, ताज़ी पत्तियाँ हैं और आंवला इनमें लगा हुआ है, छोटी छोटी गोलियाँ लगी हुई हैं, इनको हम पीस के चटनी बना के फ्रिज में रख सकते हैं और 8-10 दिन तक इसका सेवन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ले ली मिक्सी और मिक्सी के अंदर ये रख लिया, भर लिया और थोड़ा सा और डाल दिया। छोटी मिक्सी ली है क्योंकि हमने आधा हम चाहते हैं इसको सुखा कर रख लेते हैं, और मिक्सी में इसको हमने बारीक बारीक पीस लिया, और पीसने के बाद इसको किसी बर्तन में निकाल के रख लीजिए और इसे फ्रिज में रख लीजिए। ये 1 चम्मच हमने इसके अंदर डाल दिया सेंधा नमक, ताकि टेस्ट, मैंने जैसे बताया ना आपको 5 तरह के इसके टेस्ट है, कसैला है, नमकीन सा है, कुछ खट्टा है और कुछ मीठापन है, 5 तरह के इसके टेस्ट हैं। इसको अच्छा करने के लिए हमने यहाँ पे थोड़ा सा नींबू डाल दिया, सेंधा नमक डाल दिया 1 चम्मच और नींबू अपने स्वाद के हिसाब से डाल लिए ताकि ये टेस्टी लगे। इसका हम जूस बना के भी पी सकते हैं, जूस के भी वही फ़ायदे हैं जो चटनी के फ़ायदे हैं। जो बीज इसमें निकाला है, बीजों को आप निकाल दीजिए, ऐसे करके बीज नहीं पीसने। ये अगर आपको फैटी लिवर अपना ठीक करना है तो साथ में हमें परहेज़ भी करना पड़ेगा। आयुर्वेदा के हिसाब से कहते हैं कि पनीर नहीं खाएं और दूध नहीं पिएं, घी नहीं खाएं, कम खाएं और दही नहीं खाएं, हाँ मट्ठा ले सकते हैं, तो ये आपको परहेज़ भी साथ में करना पड़ेगा, नहीं तो ये इस दवा का फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। और पनीर को वैसे भी निकृष्ट भोजन कहा गया है आयुर्वेदा के हिसाब से। आरओ का पानी इसमें डाल दिया और थोड़ा डाल दिए ताकि अच्छा सा पेस्ट बन जाए। अब मिक्सी में इसको हमने चला दिया, 1 मिनट बाद देखिए ये पूरी तरह से पिस गया। और अब पिसने के बाद इसको आप बाहर किसी बर्तन में निकाल लिए। तो भूमि आंवला ये वास्तव में ही बड़ी दिव्य औषधि है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था 20 फायदे ज़रूर हैं, लेकिन आप चिकित्सक की सलाह से ही इसको प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। और मैंने इसका इस्तेमाल किया, देखिए तो मुझे तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ। देखिए चटनी बन गई और चटनी बन के हमने एक बर्तन में निकाल ली इसकी और फ्रिज के अंदर रख दिया और उसको हम 7-8 दिन तक आराम से खा सकते हैं। ये आपको खाना है कब, अगर UTI की प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, तो मॉर्निंग में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट से पहले खाना है, नहीं तो आपको लंच के बाद 1 चम्मच और डिनर के बाद 1 चम्मच, बस ऐसे खाना है।
चाहे तो अब जैसे जैसे मैं इसको लिया तो थोड़ा सा ऐसे ही जैसे लंच के बाद हमने जैसे लंच कर लिया उसके बाद हमने चार पांच पत्तियों के लेके मुँह में चबा लीजिए और चबा के और इसको खा जाइए। तो ऐसे करके क्या होगा कि ये डायबिटीज़ में भी बड़ा फ़ायदा करता है क्योंकि इसके अंदर फाइबर हैं, दो तरह के फाइबर हैं, घुलनशील भी हैं, घुलनशील फाइबर भी हैं, तो ये क्या करता है हमारी ब्लड शुगर को लेवल को भी ठीक करता है। एक चम्मच हमने यहाँ ले लिया ग्लास के अंदर, थोड़ा सा पानी डाल दिया, ऐसे करके इसका हम जूस बना के भी पी सकते हैं लंच के बाद, ऐसे ही डिनर के बाद। पर कई लोग सलाह देते हैं कि लंच से पहले डिनर से पहले, लेकिन मुझे जो फ़ायदा हुआ वो लंच के बाद और डिनर के बाद। इससे क्या है मेरा कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक हो गया और मेरी खांसी भी पूरी तरह से ठीक हो गई, इसलिए मैं आपके साथ ये अपना वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए बन गया ग्रीन जूस, अब इसको पी लीजिए और 10-12 दिन के बाद आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। एकदम तो फ़ायदा नहीं होता, धीरे धीरे करके इसका फ़ायदा होने लगता है और आपका जो भी कॉन्स्टिपेशन है बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाता है।